नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि जून माह के अंत तक कोरोना प्रदेश में महामारी का रूप ले सकता है और पीड़ितों की संख्या में भी वृद्धि होगी। ऐसे में जौनपुर में पॉजिटिव मरीजों के भर्ती के लिए एक 500 बेड का अस्पताल बनाया गया है। वहीं संक्रमण की चपेट में आने वाले गंभीर मरीजों के लिए स्नेहलता सुपर स्पेशलिटी को L2 अस्पताल बनाया गया है। यहां 8 वेंटिलेटर की सुविधा वाले चिकित्सालय में उपचार के लिए 2 स्वास्थ्य टीमें गठित की गई हैं। जौनपुर में कोरोना महामारी का रूप लेता जा रहा है। यहाँ गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था नहीं थी। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए L2 अस्पताल तैयार किया गया है। निजी अस्पताल के 4 और शासन द्वारा मिले 4 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। एडिशनल CMO व नोडल अधिकारी डॉक्टर VP द्विवेदी ने बताया कि मरीजों के उपचार के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। एक टीम में 3 चिकित्सक, 9 स्टाफ नर्स, 2 OT टेक्नीशियन, 3 वार्ड बॉय व स्वीपर की तैनाती की गई है। सभी चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। यहां 35 गंभीर मरीजों को रखने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि ट्रामा सेंटर हौज में 4 वेंटिलेटर इंस्टॉल कर सेवा के लिए उपचार हेतु तैयार कर दिए गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हम आपको आगे और भी बेहतर वीडियो दिखा सकें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।